नमस्कार। आज बनाएंगे पालक और तुवर की दाल। पालक और तुवर दाल बनाने के लिए सबसे पहले दाल को कुकर में डालेंगे और 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए भिगा के रखेंगे। दाल को अच्छे से धो लिया है, अभी इसको 10 मिनट के लिए भिगा के रखेंगे। अभी पालक लेंगे, पालक को साफ कर लेंगे। पालक को साफ कर लिया है, अभी ये जितने मोटे मोटे डंठल हैं सब निकाल लेंगे। अब पत्ते को एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। पालक को इस तरह बारीक बारीक कट कर लेना है। पालक कट कर लिया है, अब इसको 2 पानी से 3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। पालक को धो लिया है, 10 मिनट हो गया है और दाल में जो पानी था मैंने गिरा दिया है। अभी दूसरा पानी डालेंगे। साग डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, नमक 1.5, नमक 1, टमाटर 1, टमाटर को कट करके डाल देंगे। अभी गैस ऑन करेंगे, कुकर रखेंगे। 1 चम्मच तेल डाल के ढक्कन लगा देंगे। पांच से सीटी हो गया है, अभी देखते हैं दाल हुआ है कि नहीं। दाल गल गई है, अब इसको अच्छे से कलछुल से चला देंगे। दाल को मैंने अच्छे से कलछुल से घोट लिया है, ऐसे चला चला के एकदम दाल को अच्छे से घोट लिया है। दाल गाढ़ी है इसीलिए थोड़ा गर्म पानी डालेंगे, थोड़ा को डालना है। जितना गाढ़ा आपको खाना है, जितना पतला आपको खाना है, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड करें। दाल हो गया है अभी एकदम परफेक्ट। अभी दाल फ्राई करेंगे। पालक की दाल रेडी है। दाल फ्राई करने के लिए ऐसे ही फ्राई कलछुल लेंगे, गैस ऑन करेंगे। कलछुल गर्म हो गया है, अभी डालेंगे देसी घी। 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। अभी डालेंगे लहसुन मिर्चा, 4-5 मिर्ची है और 5-6 लहसुन की कली है, बारीक कट कर लिया है। जीरा डालेंगे 1 चम्मच। हींग डालेंगे, पपीते को चलाएंगे फिर। लहसुन जीरा मिर्चा सब लाल हो गया है, गैस बंद कर देंगे और डाल देंगे दाल में।
मसाला फ्राई हो गया है, जैसे आप देख रहे हैं दाल बहुत ही अच्छी बनी हुई है। दाल फ्राई हो गया है जैसे आप देख रहे हैं और दाल बहुत ही अच्छी बनी हुई है। प्लीज़ ट्राई दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।